अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आप सबको रमज़ान का महीना मुबारक हो, खुशियों वाला ये महीना आप सब के नसीब में आए, आमीन। अच्छा जी, यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पापड़ी। तो पापड़ी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मैंने 2 कप मैदा ले लिया और चुटकी सी मैं जवैन लूँगी और जो तो हाथ से मैं थोड़ी सी मिसल के डालूँगी। 1 चम्मच छोटा हम इसके नमक डालेंगे हसबे जैका, साथ ही 3 चम्मच हम इसके अंदर भर के डालेंगे ऑयल के। अब इसे अच्छी तरह मिसल के तब हमने पानी ऐड करना शुरू करना है कि नमक मैदा और ऑयल थोड़ा सा जज़्ब हो जाए। हम लोग पापड़ी बनाएंगे रमज़ान में। अगर आप पापड़ी बना के महफूज करके रखेंगे तो आपके रमज़ान, पूरा रमज़ान जो है ना, बहुत ही अच्छा गुजरेगा। तो इसलिए पापड़ी को आप कैसे महफूज करेंगे उसका तरीका मैं बताने लगी थी। तो मैंने कहा चलें, अपने लिए बनाने लगी थी तो साथ आप लोगों को भी शामिल कर लें। आटा देखिए हमारा बिल्कुल तैयार है, बस मैं थोड़ा सा इसे रफ़ करके थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दूँगी। चलें जी, ये डन है। इसे थोड़ा सा ऑयल लगा के हम रख देंगे, थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे पापड़ी बनाना। थोड़ी देर के बाद हम आ गए। यहाँ मैंने ले लिया है आटा मैदा जो हमने गूंदा हुआ था, इसके मैं 3 बड़े बड़े पेड़े बना लूँगी। अगर आप छोटे छोटे बनाना चाहते हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये आसानी लगती है तो मैं इस तरह 3 पेड़े बना के तो उनकी बड़ी बड़ी 3 चपातियाँ बना लूँगी। चलें जी, आ जाएं। आप किसी कटर की मदद से, अगर आपके पास कटर है कटर की मदद से कर लें, अगर कप है कप की मदद से आपने इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के छोटी छोटी जैसे पराठियाँ होती हैं ना वो बना लेनी है। मैं तो इसकी बनाने लगी हूँ क्योंकि फिर ये एक जार में अच्छी तरह रख सकते हैं इसको ना। ज़ोर लगा के काटे। ये देखिए इस तरह निकाल लें, ये खूबसूरत भी लगती हैं और महफूज भी कर लेते हैं इसको। ये जो बाकी बचा है इसको अगर आप चाहें तो फिर रोटी बना लें, अगर ना चाहें तो आप इसको रफ को भी पापड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो मैं इसकी आपके सामने रोटी बेलूंगी पेड़ा और दूसरे को हम रफ इस्तेमाल करेंगे। ये देखें हमने ये सारी निकाल ली। अब ये जो हिस्सा है इसको हम रफ कटिंग कर लेंगे क्योंकि पापड़ी रफ भी होती है। कुछ हम इस तरह के बना लेंगे, कुछ हम गोल बना लेंगे। इसको आप इसी तरह निशान लगा के ना छोटे छोटे काट लें। 2 तरह की पापड़ी बनेगी। तो चलें जी, आ जाएं। ऑयल हमने ऊपर रख दिया है, थोड़ा सा चेक किया है। चलें जी, साथ ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। यकीन करें आप इस तरह बना के शीशे की जार वाली बोतल में आपने रखना है इसको ठंडा करके। तो यकीन करें ये बहुत ही अच्छी रहेंगी। जब भी आप चाट बनाएं, फ्रूट चाट बनाएं, दही बड़े बनाएं, चना चाट बनाएं तो उसके ऊपर आप निकाल के रख लें। इसलिए कि मुझे पता है औरतों के बहुत काम होते हैं तो हम लोग ये पहले तैयारी करके रख लें तो ये बहुत ईजी होता है। ये रफ भी मैंने बना ली है। चलें जी, हमने इस तरह की एक जार ले ली है, हम उसके अंदर ठंडी करके उसके अंदर रखने लगे हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। चलें जी, ये देखें ये सारी अंदर चली गई है और ये मेरी तकरीबन 2 जार बने हैं, एक ये और एक वो दूसरी रफ पापड़ी का भी। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और आपको बताऊँ इस तरह आप निकालें, चाट बनाएं उसके ऊपर डाल कितनी आसानी है। चलें जी, आप लोग भी पापड़ी बनाएं और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।